अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की इस अहम खबर में थोड़ी सी एक जानकारी हम हमारे नाज़रीन को बताएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के इलेक्शन के बाद बीजेपी की बुरी हार हुई। बीजेपी की बुरी हार होने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स चुपके साधे हुए थे। फिर उसके बाद हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और इस बात पे नादिम होते हैं कि हमसे गलती हुई, हमारे पार्टी के कुछ वर्कर्स भड़काऊ भाषण दिए जो कि हमें नहीं देना चाहिए था। भड़काऊ भाषण तो अमित शाह जी भी दिए। अमित शाह जी ने कहा था कि दिल्ली के इलेक्शन में इस तरह से बटन दबाओ इसका करंट सीधा जाकर शाहीन बाग में लगे। खैर, हर किसी ने भड़काऊ भाषण दिया और अपनी गलती मान भी ली। तो आइए नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैं आपको एक हमारे देश के बड़े फखर की एक न्यूज़ बताता चलूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, इज्जत माफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि इलेक्शन के कैंपेनिंग में अक्सर कहते हैं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या है, जब इलेक्शन हो जाएगा मैं चोला अपने पीठ पर डाल लूँगा और जंगल को चला जाऊँगा। क्या जबरदस्त फकीर है हमारे देश का। तो यही फकीर जी का खर्चा कितना है सालाना, सिर्फ इनकी सिक्योरिटी को लेकर मैं आपके सामने बताता चलूं। तो यही हमारे देश के महान फकीर जी का खर्चा है 592.55 करोड़। अब इसको एक दिन में डिवाइड करेंगे, जैसा कि साल के 365 दिन होते हैं, तो जैसा कि साल में 365 दिन होते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 365 दिन में एक दिन में कितना खर्चा बैठता है हमारे देश के महान फकीर का। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, 1,62,00,000 रुपए का खर्चा आता है एक दिन का, सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें इनके कपड़ों का खर्चा नहीं है, इनके खाने का खर्चा नहीं है, इनकी रॉयल्टी का खर्चा नहीं है, सिर्फ इनकी सेफ्टी का, यानी जिसे कहते हैं SPG, इंडियन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी एक स्पेशल ग्रुप होता है जो इस तरह के VVIP की सिक्योरिटी करते हैं। ये सिर्फ हमारे देश में सिर्फ 4 लोगों को दी गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को। खैर बहरहाल, अभी तो ये लोग पावर में नहीं है, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी की सिक्योरिटी हटाई गई। अब सिर्फ ये सिक्योरिटी है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो बहरहाल देखिए हमारे देश का कितना अच्छा खर्चा होता है और किन कामों पर होता है। और खास करके नाज़रीन, इस दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क है जहां पर प्राइम मिनिस्टर एक आम आदमी की तरह फिरता है। मैं खास करके बता दूं कि ऐसे कुछ कंट्रीज यूरोप के हैं और इंग्लैंड, जो कि हमारे देश के ऊपर 200 साल हुकूमत करी, वहां के प्राइम मिनिस्टर का भी इतना खर्चा नहीं है। इतना क्या, इसमें का आधा खर्चा भी वो लोग नहीं करते। तो बहरहाल, ये थी हमारी आज की थोड़ी सी खसूसी खबर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्दों खवातीन के लिए एक समुफीत टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बा आसानी दस्तियाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।